90% इखलाक का जबान से ताल्लुक है. वी आर बॉर्न अनआर्म्ड एंड द बिगेस्ट वेपन वी हैव इज आवर टंग. हम नहत्ते पैदा होते हैं और हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमारी जबान है. इसको अगर हमने सही इस्तेमाल किया तो हम कई दिलों को जोड़ सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं, लोगों पे हौसला पैदा कर सकते हैं, लोगों को दिलासा दे सकते हैं, प्यार मोहब्बत फैला सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस लोगों में दे सकते हैं, एक बिलीफ लोगों में पैदा कर सकते हैं. और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यही जबान हमारी कई दिलों को तोड़ सकती है, कई रिश्तों को तोड़ सकती है, कई ऐसे जख्म दिल पे लगा सकती है लोगों के जो कभी ना भरने वाले हों. कहते हैं तीर से ज़्यादा बड़ा जख्म जबान का होता है. इसीलिए कहते हैं इखलाक एक दुकान है और जबान उसका ताला. जब ताला खुलता है तो हमें मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की. तो आप चाहे कितने भी अच्छे हों, आप चाहे कितने भी अच्छे काम करते हों और आपकी जो फिजिकल पर्सनालिटी हो कितनी भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर आपके बोल कड़वे हैं तो कोई भी आपके पास आना पसंद नहीं करेगा या आपके साथ बॉन्डिंग रखना पसंद नहीं करेगा. काम आपके साथ भले वो करें लेकिन वो आपके साथ दिल से जुड़ना नहीं चाहेगा. इसलिए कहते हैं ए ड्रॉप ऑफ हनी कैन कैच मोर फ्लाइज देन ए केन ऑफ विनेगर. एक जो शहद का कतरा है वो हजारों शहद की मक्खियों को बुला सकता है, वो उसके इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे एक सिरके के जार से ज्यादा. सो वो सारा आपकी जबान पे है कि आप कैसे बोलेंगे, आप क्या करेंगे. हम जो शहद को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि रोज ब्रेड पे लगा के खाए जाए, लेकिन उस शहद को बनाने वाली मक्खी को हम कभी आसपास मंडलाने दे देते. क्यों? क्योंकि वो ढंक मारती है. और अगर हमने भी कई मेहनत से कोई चीज़ किसी के लिए दे दी और वो ढंक मार दिया तो वो सारी चीज़ें ज़ाया. और कोई भी नहीं चाहता फिर आपके पास आना, कोई नहीं पसंद करेगा क्योंकि वो ढंक. लेकिन अगर उसमें हमने मिठास भर दी, नरमी लाई, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, आपके वो फैन हो जाएंगे, वो चाहेंगे कि आपके साथ मिलें, आपके साथ रिश्ता बनाए. क्योंकि आपकी ज़बान से आप लोगों में एक विश्वास पैदा करते हैं, एक भरोसा पैदा करते हैं कि वी आर वन, हम एक दूसरे के लिए बने हैं. तो ये जज्बे के साथ जब हम जबान को सोच के इस्तेमाल करेंगे और बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो रब भी हम पे राज़ी होगा और दुनिया तो होगी ही होगी. तो जैसे आपको पता है नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट ए फ्रेश बिगिनिंग, बट एनीबडी कैन स्टार्ट नाउ एंड मेक ए न्यू एंडिंग. कोई भी वापस जो हमने से गलतियां हुई हैं, कितने ऐसे लोगों को हमने जाने अनजाने, चाहे घर वाले हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कारोबार में, हमारी बॉल से उनको दुख पहुंचा होगा. कितने ऐसे होंगे जिनको हमारी वजह से बहुत वो जख्म लगे होंगे. हम पीछे तो नहीं जा सकते लेकिन आगे के लिए तो सोच सकते हैं कि आगे दोबारा ऐसा ना हो, आगे हम थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी ज़बान पर. हम देखें एक बहुत प्यारी दुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक्सर गुनाह जबान से होते हैं. और एक दुआ है कि ए रब, तूने जैसे हमारे जाहिरी बाहर वाले एक्सटर्नल पर्सनालिटी को इतना अच्छा बनाया तो हमारी इंटरनल पर्सनालिटी को भी अच्छा बना और हमारे इखलाक को बुलंद कर, ताकि हमारे से हम दुनिया में एक अमन शांति, हम दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटें, एक दूसरे को हौसला दें, मुश्किलात में उनको निकालने का वो एक हौसला दें और उनके साथ हम रहें. हर कोई अगर ये प्यार बरतेगा तो ये संसार, ये दुनिया बहुत बेहतरीन जगह बनेगी रहने के लिए.